उठो। यमराज, तुम्हारे अहंकार के दंड स्वरूप आज मेरे हाथों तुम्हारा अंत होगा काल देवता। किंतु मैं यमराज का अपराध नहीं समझ सका, वो तो अपना वही कर्तव्य निभाने आए थे, तो फिर उनकी भूल क्या थी माता? मेरा पाश भस्म हो गया। मेरे पाश के भस्म होने का, मेरे इतने बड़े अपमान का कारण यही तुच्छ ऋषि बालक और इसका हठ है, जिसे मैं अब अवश्य भंग करूंगा। देखता हूँ महादेव भी मृत्यु से इसकी रक्षा कैसे करते हैं। महादेव, माता, आदिशक्ति अपने अर्धनारेश्वर रूप में, पुत्र मार्कंडे, तुम्हारी भक्ति निर्मल है, शुद्ध है, पावन है। स्वामी के प्रति तुम्हारा अटल विश्वास अद्भुत है, अपूर्व है। पुत्र मार्कंडे, यमराज, तुम्हारे अहंकार के दंड स्वरूप आज मेरे हाथों तुम्हारा अंत होगा काल देवता। माता पार्वती, माता ऐसा अनर्थ मत कीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए मेरे पुत्र को। सूर्यदेव, हट जाइए मेरे मार्ग से। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, मेरे पुत्र को क्षमादान देने की कृपा कीजिए। क्षमा कीजिए महादेव, क्षमा कीजिए। माता, यम को यमराज के पद पर प्रतिष्ठित आपने किया, आपने ही मृत्यु के नियमों को निर्धारित किया है। माता, तनिक विचार कीजिए, यदि काल का अंत हो गया तो मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो जाएगा और संसार में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं, जगत जननी है आप, जगत पिता है आप, यम को क्षमा कर दीजिए, अपनी संतान पर दया कीजिए। महादेव, क्षमा कीजिए महादेव। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है महादेव, मुझे क्षमा कीजिए माता, मुझे क्षमा कीजिए। माता,
आपने और पिताश्री ने अर्धनारीश्वर रूप में ऋषि मार्कंडे की यमराज से रक्षा तो कर ली, किंतु माता? किंतु? किंतु क्या गणेश? मेरी धृष्टता क्षमा करे माता, किंतु मैं यमराज का अपराध नहीं समझ सका। वो तो अपना वही कर्तव्य निभाने आए थे जो आपने और पिताश्री ने उन्हें कालदेव के रूप में सौंपा था, तो फिर उनकी भूल क्या थी माता? हाँ माता, वो तो आपके ही आदेश का पालन करने के लिए प्रस्तुत हुए थे कि समय आने पर मनुष्य की मृत्यु का होना विधि का विधान है। फिर अपने विधान पर अडिग रहकर यमराज ने कोई अपराध कैसे किया माता? गणेश, कार्तिके, यदि प्रश्न तर्क संगत है, उचित है, तो उसे पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए। उस दिवस हमसे क्षमा याचना करने के पश्चात यमराज ने भी महादेव से यही प्रश्न किया था। तो माता, पिताश्री ने उन्हें क्या उत्तर दिया? महादेव ने कहा, यम, तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुमसे क्या अपराध हुआ, तो सुनो तुम्हारी पहली भूल। मार्कंडे के प्राण को यमलोक ले जाने के लिए तुम्हारा यमदूतों को भेजना, जबकि यह स्पष्ट है संतो ऋषों के प्राणों को हरने के लिए तुम्हें स्वयं आना चाहिए था। माता, भैरवी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संतो ऋषियों की आत्माओं को लेने आपको स्वयं जाना चाहिए। यदि प्रत्येक ऋषि और संत के प्राण हम स्वयं लेने जाएंगे तो यमलोक की व्यवस्था कौन संभालेगा? तुम्हारी दूसरी भूल, अधिकार के अहंकार में आकर मेरे भक्त मार्कंडे द्वारा की जाने वाली मेरी पूजा में व्यवधान डालना। जिसमें तुमने तनिक भी संकोच नहीं किया। तुम यदि चाहते तो कुछ क्षण प्रतीक्षा कर सकते थे, किंतु तुमने वो नहीं किया। तुम्हारी तीसरी भूल तुम्हारी भ्रांति की कि तुम सभी को मृत्यु प्रदान कर सकते हो, यहां तक कि ब्रह्मदेव इंद्रदेव आदि को भी प्रभावित कर सकते हो, किंतु कोई तुम्हारे प्राण नहीं हर सकता। जब मृत्यु समक्ष होती है तब तुम तो क्या, मैं ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की भी नहीं सुनता। तुम्हारे इन तीनों अपराधों के दंड हेतु मैं तुम्हारा वध करने के लिए प्रेरित हुआ। और स्वामी को, स्वयं महादेव को अपने पाश से स्पर्श करने का दुस्साहस करना, इन सभी में सबसे बड़ा अपराध था। महादेव, माता भैरवी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया जिसके कारण मुझ में अहंकार जागृत हुआ। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, मुझे क्षमा कीजिए माता। यम, मैंने तुम्हें अपने देवी भैरवी रूप में इतना बड़ा कर्तव्य सौंपा और तुम स्वयं को समस्त जीवन का नियंत्रक समझ बैठे, ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। तुम्हारा चुनाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व निभाने के लिए हुआ है, किंतु तुम उस शक्ति का अहंकार कर उसका दुरुपयोग करने लगे, यह सर्वथा अनुचित है। क्षमा कीजिए माता, मुझसे भूल हुई है। विधि का विधान कोई भंग नहीं कर सकता, इसलिए बालक मार्कंडे के लिए उस विधान का अपमान मैं भी नहीं करूंगा। आयु पूर्ण होने पर मनुष्य को मृत्यु अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है महादेव, मुझे क्षमा कीजिए माता। विधि का विधान कोई भंग नहीं कर सकता, आयु पूर्ण होने पर मनुष्य को मृत्यु अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। उमा, स्मरण कीजिए, मैंने मार्कंडे के पिता
ऋषि मृकेंडु को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए क्या कहा था? मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद मार्कंडे की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। इस अवस्था में यमराज को मार्कंडे को मृत्यु प्रदान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आज से संसार के अंत तक बालक मार्कंडे की आयु में कोई वृद्धि नहीं होगी। ये सदैव चिरंजीवी रहेंगे। पुत्र मार्कंडे, ये सब तुम्हारी भक्ति और माध्यम से तुम्हारे द्वारा महामृत्युंजय मंत्र के आविष्कार के कारण हुआ। जब तुम अपनी मृत्यु को अपने समक्ष पाकर निरुपाय हो चुके थे, तो तुमने भक्ति और निष्ठा से मुझे पुकारा और तुम्हारे मुख से स्वतः ही महामृत्युंजय मंत्र प्रस्फुटित होने लगा। तब तुम्हें इस मंत्र का महत्व ज्ञात नहीं था पुत्र मार्कंडे, किंतु महामृत्युंजय मंत्र के जाप से ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा संभव हुई। और आज मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसकी अकाल मृत्यु कदापि नहीं होगी। उसकी अकाल मृत्यु कदापि नहीं होगी। वो भीषण रोगों से भी मुक्ति पाएगा। महादेव, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आज आपने और माता ने एक पुत्र को यह अवसर प्रदान किया कि वो अपने माता पिता की निराशा को आशा और आनंद में परिवर्तित कर सके। ये आपकी दया, कृपा और आशीष का ही परिणाम है। पुत्र मार्कंडे, मुझे पूर्ण विश्वास था तुम्हारी प्रार्थना महादेव तक अवश्य पहुंचेगी। तुम में एक विशेष गुण है पुत्र, तुम्हारे शब्द हृदय में प्रवेश कर आत्मा तक पहुंच जाते हैं। ये सब आप ही की लीला का चमत्कार है, आप ही का आशीर्वाद है माता। माता, आपकी लीला तो अपरंपार है। अब सृष्टि का चक्र तो पूर्ण हो चुका था ना माता, क्योंकि अब तो माता भैरवी के रूप में आपने मृत्यु की भी रचना कर दी थी, अर्थात अब समय आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु के पश्चात उनका यमलोक जाना निश्चित हो गया, जहाँ वो पश्चाताप और साधना कर अपने कर्मों के अनुसार उचित लोक में प्रवेश करेंगे। तो अब तो संसार में पूर्णता थी ना माता? नहीं, नहीं, नहीं। अभी तक अच्छे और बुरे कर्मों का फल मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता था, किंतु अब महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव की इच्छा थी कि एक ऐसा विधान बने जिससे जीवों को उनके कर्मों का फल उनके जीवन काल में ही प्राप्त हो। मुझे त्रिदेवों का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, किंतु मेरे अगले स्वरूप की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेरे साथ एक छल किया। त्रिदेवों ने आपके साथ छल किया माता? जिसके परिणाम स्वरूप मैंने अपने स्वामी के साथ त्रिदेवों को उचित पाठ सिखाया।
माता ने उचित पाठ सिखाया त्रिदेवों को? ऐसा क्या छल किया था त्रिदेवों ने जिससे माता उन्हें दंडित करने के लिए विवश हो गई? गणेश, तुम अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु यहाँ उपस्थित ब्रह्मदेव और नारायण से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि कैसा छल किया था उन्होंने मेरे साथ? देवी, उस समय हमने जो भी किया था लोक कल्याण के हित के लिए किया था। किंतु मामा जी, आप सभी ने ऐसा क्या किया था? बाहर कैसा कोलाहल है ये? इतने दीन स्वर में क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं तोतला जी? कदाचित मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। माधव तमा जल्दी दी, मैं वतन देता हूँ। आदत देती बोल नहीं होती माधव, तमा जल्दी माधव। नाथ, स्वामी। प्रणाम माता। प्रणाम माता। किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं तोतला जी? नंदे, तुम ही बताओ। जी प्रभु। माता, कैलाश के उपवन में कुछ मृग आकर यहां के फल खाने लगे। तोतला ने उन्हें देखा और उन्हें वहां से भगाने के लिए कंकड़ फेंककर उन्हें आहत करने लगा। कुछ कारण से मैं वहां गया था तो मेरी दृष्टि तोतला की इस दुष्टता पर पड़ गई। ऐसा भय का भाव उनके नेत्रों में देखकर माता, उनकी इन दीनता के भाव से किसी का भी हृदय द्रवित हो उठे। ये तो सर्वथा अनुचित है तोतला जी। निर्बल असहाय जीवों को भगाने का विचार भी कैसे आया आपके मन में? माता, मुझे तो माता दीजिए माते, आते से नहीं होता माते। मैं उन्हें तेला तो बंद पलटा दे देता, तब ना तेला तो बेटा तो माते माते तो हो नहीं होती माते। भूख प्यास से त्रस्त कैलाश पर आए और उन्हें यहाँ निर्दयता से भगा दिया जाए, ये तो अनुचित है। ऐसा पुनः नहीं होना चाहिए तोतला जी, इसका स्मरण रखिए। अब जाइए यहाँ से। उमा, आपने मात्र चेतावनी देकर जाने दिया तोतला को, ये क्या उचित था? मैं आपका प्रश्न नहीं समझी स्वामी। ये उचित नहीं था तो फिर क्या करना चाहिए था हमें? असहाय जीवों को उनके भोजन से वंचित किया, उन्हें आहत किया, क्या इस अपराध का दंड नहीं प्राप्त होना चाहिए था तोतला को? उमा, हम जीवों को उनके अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कृत करते हैं, तो क्या उनके बुरे कर्मों के लिए दंड नहीं देना चाहिए, जिससे वो पुनः वही भूल, वही अपराध ना करें? अपनी भूल उन्हें स्मरण रहे और वो दंड के भय से बुराई का त्याग कर अच्छाई का मार्ग अपनाए, जैसे तोतला। यदि आप उसे क्षमा करने के स्थान पर दंडित करती तो भविष्य में धीरज खोने पर भी वो दंड का ध्यान कर कभी ऐसी निर्दयता नहीं कर सकेगा। नाथ, कर्मों का फल तो सभी भुगतते हैं, यही सृष्टि का नियम है जो मैंने स्वयं स्थापित किया है। उमा, वो मृत्यु के उपरांत होता है, किंतु जीवों के जीवन काल में नहीं। यदि उनके जीवित रहते उनके कर्मों के परिणाम उनके समक्ष आ जाए तो जीव अवश्य अपनी भूल सुधार कर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। नाथ, आप पिता हैं, आपका हृदय कठोर हो सकता है, किंतु मैं माँ हूँ। सभी जीव मेरी संतानें हैं, उन्हें पीड़ा होती है तो अश्रु मेरे बहते हैं। मैंने ही यमलोक की रचना कर वहाँ यमराज को स्थापित किया है,
किंतु उनके द्वारा दंडित आत्माओं की चित्कार विचलित करती है मुझे। जब वही सहना मेरे लिए कठिन है तो मैं अपनी संतानों को उनके जीवन काल में दंडित करने का आपका सुझाव मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ स्वामी? नहीं प्रभु, ये मुझसे कदापि नहीं होगा। नारायण, मैंने देवी पार्वती से संवाद किया, किंतु जीव उसी जीवन काल में दंडित हो यह आपकी बहन को कदापि स्वीकार नहीं। परंतु ये महत्वपूर्ण है महादेव, जीवों को उनके जीवन काल में ही उनके कर्मों का महत्व समझना आवश्यक है। इससे उनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और यदि अधर्म ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी किया तो वो उससे दूर रहने के लिए प्रेरित रहेंगे। इसलिए जन कल्याण हेतु हमें देवी पार्वती को कोई न कोई उपाय कर इस बात की स्वीकृति लेनी ही होगी। मेरा प्रयास तो विफल रहा, किंतु आप तो लीलाधर हैं नारायण, अब आप ही कोई लीला रचिए, तब उमा श्री महाकाली के सप्तम रूप को प्रकट करेंगी। उनके उस स्वरूप का प्रकट होना अब संसार के लिए अति आवश्यक है। उचित है महादेव। महादेव, बहुत समय हो गया आपने ब्रह्मदेव को, देवी सरस्वती को, मुझे और देवी लक्ष्मी को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित नहीं किया। नारायण, हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर संवाद कर रहे हैं और आप अकस्मात भोजन की बात करने लगे। महादेव, मैं अपनी लीला तो तभी रच सकता हूँ जब मैं स्वयं देवी पार्वती के समक्ष रहूं। आप बस हम सभी को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित कीजिए, अन्य सभी कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। किंतु हाँ, स्मरण रहे, सामान्यतः आप अल्प आहार करते हैं, परंतु हाँ, कल जब आप हमारे साथ भोजन करेंगे तो आपको अपना अल्पाहार त्याग कर कहीं अधिक भोजन खाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरी लीला में, मेरी योजना में आपका महत्वपूर्ण भाग है जो आपको निभाना ही होगा। किंतु अधिक भोजन जो मैं कभी नहीं करता, किंतु नारायण का कहा भी नहीं डाल सकता मैं। स्वामी, स्वामी आप ध्यान में लीन हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, आहार करना भी। लीजिए, पहले फलाहार कर लीजिए, उसके बाद पुनः ध्यान कर लीजिएगा। उमा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने ब्रह्मदेव और नारायण को देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के साथ कल भोजन के लिए आमंत्रित किया है। ये तो बहुत उत्तम समाचार है, बहुत आनंद आएगा। किंतु आपने उन्हें आमंत्रित कर लिया और आप मुझे अब बता रहे हैं? मुझे अभी कल की व्यवस्था आरंभ करनी होगी, मेरे पास समय नहीं है। मैं अभी जाके गड़ों को उनके कार्य सौंपती हूँ। व्यवस्था उचित होनी चाहिए और समय कम है, मुझे सब कुछ शीघ्रता से करना होगा। कल जब आप हमारे साथ भोजन करेंगे तो आपको अपना अल्पाहार त्याग कर आपको आवश्यकता से कहीं अधिक भोजन खाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरी लीला में, मेरी योजना में आपका महत्वपूर्ण भाग है जो आपको निभाना ही होगा। ज्ञात नहीं कैसी लीला रच रहे हैं लीलाधर नारायण, किंतु कल उनके कहे अनुसार अत्यधिक भोजन करने के लिए मुझे आज उपवास रखना ही होगा। अच्छा, मामा जी ने लीला रची थी, वो भी भोजन को केंद्र बनाकर। ये तो बहुत ही रहस्यमय लीला प्रतीत होती है। मुझे भनक भी नहीं थी
मेरे अगले स्वरूप को प्रकट करने के लिए किया जा रहा था। गणेश, तुम्हारे मन में पुनः एक प्रश्न की उपस्थिति का भान हो रहा है मुझे। पूछो, शीघ्र पूछो अपना प्रश्न। माता, आप ही संसार की जन्मदायिनी हैं, सर्वज्ञ हैं, किंतु फिर भी आप मामा जी नारायण की योजना नहीं समझ सकी। हाँ माता, आपने ही अपनी लीला के माध्यम से मधु और कैटव असुरों को उत्पन्न किया। मामा जी को उनकी योग निद्रा से बाहर निकालने में भी आप ही उनकी सहायक बनी। पृथ्वी की रचना के लिए आपने उस संपूर्ण घटना को गढ़ा, तब भी मामा जी आपकी लीला के भाग बने। फिर अब आपको उनकी इस लीला का आभास क्यों नहीं हुआ माता? उत्तम उत्तम प्रश्न पूछ रहे हो तुम दोनों। श्री महाकाली के रूप में मुझसे कुछ नहीं छिपता, क्योंकि तब मेरी चेतना निर्गुण रूप में सर्वाधिक सशक्त होती है। किंतु पार्वती रूप में मेरी ही चेतना शरीर से बंध कर मेरे ही द्वारा निर्धारित नियमों से सीमित हो जाती है। तब मोह और भावनाओं से प्रेरित होता है मन, मेरी सतर्कता का हवास होता है, और इसीलिए तब लीलाधर नारायण अपनी लीला से मुझे प्रभावित करने में सफल हुए। फिर क्या हुआ माता? क्या फूफा जी, बुआ जी, मामा जी और मामी जी सभी भोजन करने कैलाश आए? हाँ गणेश, भोजन के लिए सभी का कैलाश आगमन हुआ, और तभी आरंभ हुआ नारायण की इस लीला का। मेरा अगला महाविद्या स्वरूप धूमावती है। अति उत्तम, इस बार की भोजन की व्यवस्था तो पूर्व से भी अधिक उत्तम प्रतीत होती है। भोजन को देख के ही उसके स्वाद का अनुमान लगाया जा सकता है। देवी पार्वती, जब हमें महादेव ने भोजन के लिए आमंत्रित किया तो हम सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारे दायित्वों की व्यस्तता में इस प्रकार भेंट का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त नहीं होता है। इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखकर मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप दोनों आपस में वार्तालाप बंद कर भोजन आरंभ कीजिए। देवी, यदि आपको भूख लगी है तो आप प्रारंभ कीजिए ना। आपकी भूख से हमारे वार्तालाप का क्या संबंध है? संबंध तो है भ्राता नारायण, पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि उन दोनों में से कोई एक भी भोजन ना करे तो दूसरा कैसे कर सकता है? इसीलिए जब तक आप भोजन का शुभारंभ नहीं करेंगे, मेरी भाभी देवी लक्ष्मी भोजन कैसे ग्रहण करेंगी? उचित, तो लीजिए हम आरंभ करते हैं। देवी पार्वती ने उचित कहा, पति पत्नी में एक भोजन से वंचित रहे तो दूसरे को भोजन करने की इच्छा कैसे हो सकती है? एक साथ भोजन करने का सुख ही कुछ और है। जो पति पत्नी साथ भोजन करते हैं उनका स्नेह सदा बना रहता है। देवी पार्वती, इतना स्वादिष्ट भोजन है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। देवी पार्वती, अब बस भी कीजिए, नंदी और अन्य गण हमारी सेवा करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। देवी सरस्वती, मैं अपनी थाल कभी नहीं लगाती। स्वामी भोजन के बाद अपनी थाल में जो छोड़ देते हैं मैं वही ग्रहण करती। प्रतीत होता है बहन पार्वती को भी भूख लगने लगी, यही तो चाहता था मैं। हम्म,
यही उचित समय है मेरी लीला के प्रारंभ का। स्वामी को सदा मेरा स्मरण रहता है। मेरे प्रति उनके स्नेह का परिचायक है यह भोजन। इसीलिए कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो मुझे, मैं तो उसी भोजन की प्रतीक्षा करूंगी जो स्वामी ने मेरे लिए शेष रखा। महादेव, आपने वचन दिया था कि आज आप अधिक मात्रा में भोजन करेंगे, तो फिर आप अपनी थाल पर भोजन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि नारायण, मैं तो सदा उमा के लिए भोजन शेष रखता हूं। महादेव, आज आप देवी पार्वती के लिए भोजन कदापि शेष नहीं रखेंगे। नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ, आज कोई प्रश्न नहीं। जब आपने सब मुझ पर छोड़ा है तो मेरी लीला मेरे अनुसार ही होने दीजिए। मुझे क्षमा करना उमा, मैं विवश हूं। नारायण को वचन दिया है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। माता श्री महाकाली, पिताजी तो सदैव माँ के लिए भोजन शेष छोड़ते आए हैं, किंतु इस बार उन्होंने नहीं छोड़ा, जबकि माँ की भूख बढ़ती जा रही थी। इसका परिणाम तो अवश्य ही भयंकर हुआ होगा, बताइए ना माता। जगत के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर भी अपनी ही लीला का पात्र बनकर हमें यही संदेश देते हैं, कोई भी घटना अकारण नहीं होती।